सुबह उठते ही हर महिला को कर लेनी चाहिए ये 6 चीजें। हर रोज सुबह के साथ एक नया दिन शुरू होता है। सुबह उठकर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि उसका दिन अच्छा बीते। सुबह उठने पर लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सबका अपना एक रूटीन होता है और वे उसी रूटीन के अनुसार कार्य करता है। यदि आप 10 लोगों से उनका रूटीन पूछेंगे तो सबका जवाब अलग अलग होगा। किसी का भी रूटीन एक जैसा नहीं होगा। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि सुबह उठकर आप जो कार्य करते हैं वे आपके लिए अच्छा है या बुरा? क्या हुआ सोचने लगे? जरूरी नहीं कि सुबह उठकर हम जो कार्य करते हैं वे सही ही हो। दरअसल सुबह उठने के बाद हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। इन गलतियों की वजह से आपको उम्र भर पछताना पड़ सकता है। खासकर महिलाओं को सुबह उठकर कुछ कार्य करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करके वह अपना और परिवार का ध्यान अच्छे से रख सकेंगी। कौन सी हैं वो बातें आइए जानते हैं। उठते ही पानी पीना। पानी पीना हर किसी के लिए अनिवार्य है। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी व्यक्ति को दिन भर में पीना ही चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है उन्हें सुबह उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए होती है, लेकिन ये गलत है। सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने से आप तरह तरह की बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। इसलिए महिला हो या पुरुष, सुबह उठने के बाद चाय नहीं बल्कि 2 गिलास पानी पीने की आदत डालें। स्नान करें। वैसे तो सुबह सुबह स्नान करना सभी के लिए लाभदायक होता है, पर महिलाओं के लिए तो विशेष कर जरूरी होता है। हमारे यहाँ ये पुरानी परंपरा चली आ रही है कि महिलाओं को सुबह उठते ही अपनी दैनिक क्रिया से निमित्त होकर स्नान कर लेना चाहिए और इसे एक बाद ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। हालांकि अब ये पुरानी बात हो चली है, पर देखा जाए तो ये फायदेमंद भी है। दरअसल किसी भी परंपरा या नियम के पीछे कुछ जरूरी वजह या फायदे होते हैं। सुबह उठकर स्नान करने से भी कई सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है और आपको नई ऊर्जा मिलती है। चूंकि महिलाओं को रसोई से लेकर घर बाहर दोनों का काम संभालना होता है, इसलिए कहते हैं कि सुबह उठते ही उन्हें स्नान कर लेना चाहिए ताकि पूरी स्फूर्ति से वो सभी काम कर सकें। महिलाएं करें योग। आजकल के बिजी शेड्यूल में लोगों को खुद के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया है। खासकर महिलाओं को घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती और इस वजह से वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती। ऐसा बिल्कुल न करें। सुबह उठकर कम से कम 10 मिनट के लिए योग जरूर करें। केवल महिलाओं को नहीं, योग बड़े, बच्चे और बुजुर्ग सबको करना चाहिए। महिलाएं इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। पति के साथ रोमांस। शादीशुदा महिलाओं को अपनी सुबह की शुरुआत पति के साथ थोड़ा बहुत रोमांस करके भी करना चाहिए। थोड़ी छेड़छाड़ या रोमांस कर लेने से माहौल अच्छा हो जाता है और दिन भी अच्छा गुजरता है। इसलिए एक कपल को सुबह उठकर थोड़ा बहुत रोमांस जरूर कर लेना चाहिए। यकीन मानिए आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। तुलसी की पूजा करें। तुलसी का पौधा लगभग हर हिंदू घर में होता है। यदि आपके घर में नहीं है तो इसे जरूर लगाएं और सुबह उठकर इसकी पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार रविवार का दिन छोड़कर महिलाओं को हर रोज तुलसी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके घर में धन और अन्न की कभी कमी नहीं रहती। अपने फेवरेट गाने सुने। म्यूजिक किसी के भी मूड को अच्छा कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा बीते तो सुबह उठकर अपने मन पसंद गाने सुने। म्यूजिक से मूड अच्छा रहता है और यह डिप्रेशन को भी खत्म करने का काम करता है। महिलाएं अपना काम करते करते म्यूजिक का लुत्फ उठा सकती हैं।